दोस्तों, मैं लेन सतपति आपका दोस्त आज एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। स्किल और विल, ये दोनों में से कौन सा इंपोर्टेंट है, कौन हमारे को सक्सेसफुल ज्यादा कर सकता है। देखिए, स्किल और विल, एक आदमी की बात बताता हूं, मोहम्मद अली बख्शर जो वर्ल्ड चैंपियन थे उसके बारे में आप जरूर जानते हो। उनको जब ये पूछा गया, आप वर्ल्ड चैंपियन बक्सर हो, आप ये बताइए स्किल और विल ये दोनों में से ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है आपके लिए, उन्होंने बोला विल पावर ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो उनको पूछा गया कि किस आधार पर ये बोल रहे हो, उन्होंने ये भी बताया, जब मैं किसी के साथ फाइटिंग करता हूं और रिंग के अंदर अगर मैं नीचे गिर जाता हूं तो मेरा स्किल की वजह से नीचे गिरा, मगर जब नीचे गिरता हूं तभी मेरा विल पावर अंदर से बोलता है कि मोहम्मद एक बार फिर उठ के खड़ा हो जा, एक बार फिर सिर्फ उठ के खड़ा हो जा, एक बार उठ के खड़ा हो जा, तभी मैं खड़ा होता, मेरा विल मेरे को खड़ा करता है दोबारा करने के लिए, उसके ऊपर बात करने के लिए। दूसरा बात भी बताता हूं, एक बार आप जानते होंगे विल्मा रूडोल्फ जो पोलियो था, उसको जब वो बच्चा था तब उसको ब्लैक फीवर काला बुखार हुआ था, जिसकी वजह से वो उसको पोलियो हो गया था। हॉस्पिटल में उनको यह बोला गया कि वो खड़ा हो गया जिंदगी में तो बहुत बड़ी बात है। जब वो हॉस्पिटल से एक बार घर आया, उसकी माँ उसको लेके चर्च में गई थी। चर्च में जो फादर थे वो प्रवचन दे रहे थे, बोल रहे थे, तो प्रवचन देने के टाइम पे चर्च का फादर ये बोल दिया कि अगर किसी के अंदर में एक चावल की दाना की बराबर भी विल होगी ना, वो जरूर दुनिया को जीत सकता है। और ये विल्मा रूडोल्फ को पूरा उनका माइंड में बैठ गया। जब ये प्रवचन खत्म हुआ, सब लोग चले गए, वो रेंगते रेंगते खुद आए फादर के पास, आके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोला कि फादर, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। उन्होंने बोला, बोल बेटी, कि आप अभी बोल रहे थे कि अगर किसी के पास एक चावल की दाना की बराबर विल होगा तो दुनिया भी जीत सकता है, ये सही बात है, तब मेरे पास विल पावर है, तू क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, तो मैं दौड़ना चाहता हूं, रनर होना चाहता हूं। तो फादर की मुंह से बोल नहीं फूटा, बोला कैसे, तू तो चल नहीं सकता है, तू तो चल ही नहीं सकती, तू कैसे दौड़ पाएगी, ये तो असंभव है। तो रूलब ने रीमा विल्मा रूलब ने बोली, मगर मेरे पास विल पावर तो है, आपने तो अभी बोला था जी अगर विल पावर है तो दुनिया जीत सकती है, तो मेरे पास विल पावर है, पैर नहीं तो क्या है, पोलियो हो गया तो क्या है, विल पावर तो है और चावल की दाने की बराबर नहीं, बहुत ज्यादा है। तो बाबा कुछ नहीं बोला, फादर कुछ नहीं बोल पाया और विल्मा रूडोल्फ वही विल पावर के साथ घर आई, घर में वो प्रैक्टिस करने लगी और एक दिन उसके जिंदगी में ऐसा आया कि ओलंपिक रेस में 3 गोल्ड मेडल उन्होंने जीत लिया, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर, इतिहास रच दिया उन्होंने, इतिहास रच दिया विल पावर की इतना ताकत है। अगर आपके पास दोस्त थोड़ा सा विल पावर है, थोड़ा सा विल पावर है, ये स्किल कुछ काम का नहीं है, स्किल अपने आप आ जाएगा, कुछ भी आप कर सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं, अगर विल पावर होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। अगर आपके पास विल पावर सही ढंग से हो, आपको कुछ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप तब में रहेंगे। एक बात बताता हूं आपको, अब मेरे को अगर मैं आपको पूछूंगा जंगल में सबसे ताकतवर जानवर कौन है, आप बोलेंगे हाथी है, वजनदार हाथी है। अगर ऊंचा जानवर कौन है, आप बोलेंगे जिराफ है। पेड़ से पेड़ कौन कूद सकता है, आप बोलेंगे बंदर है। पानी में कौन तैर सकता है, आप बोलेंगे मगरमच्छ है। तेज में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है, तो आप बोलेंगे हिरन है। मगर राजा कौन है, शेर है। कि कोई भी चीज में शेर नंबर वन नहीं है, ना तो सबसे लंबा है, ना तो सबसे तेज दौड़ने वाला है, ना तो पानी में तैर सकता है, ना तो पेड़ में चढ़ सकता है, फिर भी जंगल का राजा क्यों है, क्योंकि उसका विल पावर स्ट्रांग है, उसका विल पावर स्ट्रांग है, स्ट्रांग मेंटालिटी है। जब कोई शिकार उसके सामने आता है, वो कभी ये नहीं सोचता अगर पकड़ ना पाऊं तो, कोशिश करता है, काम पे लग जाता है, होगा नहीं होगा अलग बात है, मगर अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं। तो मेरा ये इतना ही कहना है, आप विल पावर इतना स्ट्रांग कर दो,
कल सुबह दुनिया आपके सामने झुके। थैंक यू। अगर एक वीडियो आपको अच्छा लगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दूसरे के साथ शेयर करिए और मेरे एक वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए। वीडियो जब आप देखेंगे नीचे लाल कलर में राइट साइड में दाहिनी साइड में सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको आप क्लिक कर देंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले नए वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू।